सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के छोटे भाई ब्रजेश ग्रेवाल ने ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, कांग्रेस पार्टी छोड़ी। सरदारपुर से विधायक प्रताप ग्रेवाल के छोटे भाई ब्रजेश ग्रेवाल ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। जानकारी के अनुसार ब्रजेश ग्रेवाल ने मध्य प्रदेश शासन के उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के भाई को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं ब्रजेश ग्रेवाल ने बताया कि सरदारपुर नगर परिषद चुनाव में सही व्यक्ति नहीं होने के कारण वह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। माननीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहब, हमारे क्षेत्र के राजा साहब और परम आदरणीय छोटे बना साहब और मेरे छोटे भाई शुभम दीक्षित जी के सानिध्य में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हमारे लिए पूरा शुरू से, जब भी स्टार्टिंग में मैं नगर परिषद अध्यक्ष का जब चुनाव लड़ा था, उस समय हमारे बना साहब ही मेरे लिए उनके निजी खर्च से मेरा टिकट लाए थे, चुनाव प्रचार भी करा था, मुझे जितवाया भी था। और जैसे ही हमारे बना साहब ने आगामी जो परिणाम हुए, उन्होंने जो उनकी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार में नहीं सुनी गई थी और कमलनाथ जी के समय इस्तीफा दे के ज्वाइन करा, उस समय भी मैंने मेरे भाई प्रताप जी ग्रेवाल जी से निवेदन करा था कि मैं हुकुम जी के साथ पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मुझे उस समय दबा दिया गया था कि नहीं, अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। और आज ऐसा शुभ अवसर आया कि जो मैंने शुभम भैया दीक्षित जी से रिक्वेस्ट की और तुरंत आज एक से डेढ़ घंटे के अंदर सरदारपुर से यहाँ माननीय से निवेदन करने आया, और मैं पूरी कर्मठता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, मात्र मेरे लिए दो ही लोग रहेंगे, छोटे वना साहब और आदरणीय मंत्री राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव जी का आदेश का पालन करूंगा और निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी और हुकुम का आदेश का पालन करूंगा। भाव के व्यक्ति रहे हैं, राजनीतिक रूप से इन्होंने सरदारपुर के नगर परिषद अध्यक्ष रहते हुए बहुत अच्छे सकारात्मक कार्य किए हैं। वर्तमान में कुछ समय से काफ़ी व्यथित थे, दुखी थे, और कांग्रेस पार्टी ने जो इनकी उपेक्षा करी उससे भी दुखी थे। ये मेरे पास आए, उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने सारी बात मुझे बताई। हम लोगों ने वरिष्ठों से चर्चा करी, शिवराज सिंह जी के कार्य से भी ये काफ़ी संतुष्ट हैं, और मैंने इनको बताया कि भाजपा और कांग्रेस का क्या बड़ा अंतर है। यहाँ पे हम सेवाई संगठन के भाव से कार्य करते हैं। ब्रजेश जी ने ये संकल्प लिया है कि निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी में रह के ये कार्य करेंगे। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी कार्य प्रदेश में हो रहे हैं, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहे हैं, उससे भी काफ़ी प्रभावित हैं। और ब्रजेश जी के हमारी पार्टी में आने से हमारी ताकत न सिर्फ सरदारपुर क्षेत्र में बढ़ेगी, सरदारपुर शहर में बढ़ेगी, बल्कि पूरी विधानसभा में हमको लाभ मिलेगा। आसपास के क्षेत्र में भी इनका अच्छा प्रभाव है, क्योंकि सालों से इन्होंने सेवा करी है और काम किया है। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, इनको बधाई देता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा परिवार में आपका सम्मान होगा, आपके स्वाभिमान की रक्षा करी जाएगी और आपको पूरी तरीके से परिवार के भाव से सहेजा जाएगा, और आने वाले समय में आपकी प्रतिभा अनुसार आपको मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और पद भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करती है।